नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी श्रीमुख। आप में से कुछ मुझे जानते होंगे, अधिकांश न जानते होंगे। आप जानते हैं हमारा देश इस समय कैसी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना के कारण हम सब अपने घरों में छिपे रहने के लिए मजबूर हैं। यही बेहतर भी है। मुझे लगता है इस लॉकडाउन का सबसे अच्छा उपयोग हम स्वयं को साहित्य से जोड़कर, किताबों से जोड़कर कर सकते हैं। और इसी के क्रम में मैं आज अपनी चर्चित पुस्तक परत के कुछ हिस्सों को आपसे शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। तो देखते हैं, इसके पहले ही हिस्से का एक अंश है। श्रीवास्तव जी तनिक मितव्ययी व्यक्ति थे। वैसे उनका मितव्ययी होना सही भी था। जिस बाप की दो दो बेटियां हों, उसका प्रथम कर्तव्य ही धन का संचय करना होता है। आधुनिकता, विकास, बौद्धिकता और न जाने किन बड़े बड़े दावों के बीच धरातल की सच्चाई यही है कि हम अभी भी एक ऐसा समाज नहीं बना पाए हैं जिसमें एक दरिद्र पिता बेटी के जन्म लेने पर मुस्कुरा सके। उसे बेटी के चेहरे में बेटी से अधिक दहेज दिखता है। वह बेटी के जन्म के दिन से ही दामाद खरीदने की राशि एकत्र करना शुरू कर देता है। श्रीवास्तव जी भी दामाद खरीदने का दान इकट्ठा करते हैं। एक दूसरा हिस्सा है किसी भाष का। श्रद्धा के पिता शिल्पी के पिता से अधिक गरीब थे। पर श्रद्धा की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती थी, जबकि शिल्पी की अनेक इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। इसके पीछे एक बड़ा ही मनोरंजक लेकिन सटीक कारण। शिल्पी के घर टेलीविजन था, तो वह जानती थी कि हाथ में खतरनाक कीटाणु होते हैं जो केवल डेटॉल से मरते। वह जानती थी कि पानी में जहर होता है जो उसी आरओ से दूर होता है जिसका प्रचार हेमा मालिनी करती। वह समझ चुकी थी कि जब तक फेयर एंड लवली न लगाई जाए, तब तक लड़कियों के चेहरे पर निखार नहीं आता। अब बेचारे श्रीवास्तव जी अपनी छोटी सी आय से यह सब कुछ उपलब्ध नहीं करा पाते थे, तो शिल्पी की अनेक इच्छाएं अतृप्त रह जाती। श्रद्धा ने कभी सोचा नहीं था कि बदबू हटाने के लिए फला डिओड्रेंट कितना आवश्यक है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके चापाकल के साफ पानी में जहर भी हो सकता है। वह लाइफ बॉय साबुन और 10 रुपए वाले बोरो प्लस से ही चमकने लगती। जब इच्छाएं ही न हो तो अधूरी कैसे रहेंगी। ऊपर से स्कूल जाने के समय पंडित जी यदा कदा 10-15 रुपए दे देते थे, तो श्रद्धा देवी आसमान में उड़ने लगती। व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं की संख्या बताती है कि बाजार ने उसे किस हद तक मूर्ख बनाया है। इतना ही। फिर कोई और लेखक अपने किसी और पुस्तक के साथ आपके पास आएगा, तो बने रहिए साहित्य तक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉकडाउन में घर में ही छिपे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हो।